नमस्कार बागवान भाइयों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा जो सेन और स्केल जो होता है, जिसको कॉमनली जो है स्केल के नाम से जानते हैं, उसका जो है सिम्टम्स क्या होता है और उसके मैनेजमेंट क्या है, वो आज मैं प्रैक्टिकली अपने इस PCDO चुहाए में जो है करके दिखाऊँगा आपको। मैं बताऊँगा पहले कि सेब का पौधे में कैसे आप पता कर लगा सकते हैं कि सेब के पौधे को जो है स्केल जो बीमारी से हो चुका है, तो मैं पेड़ दिखाऊंगा आपको वो कैसे दिखता है। फिर उसके बाद जो इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करना है, उसका क्या स्प्रे करनी है, वो आज हम करके बताएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने यार दोस्त में भी इस वीडियो को जो है शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इसके बारे में जानकारी ले सके। तो बागवान भाइयों, सबसे पहले देखिए इसके सिम्टम्स क्या होता है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हमारे सेब के पौधे में जो है ये स्केल ने अटैक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं पेड़ के जो बाहरी जो कवर होते हैं वहाँ पे जो सफ़ेद कलर के साथ काले काले दाग धब्बे जैसे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे जो पूरा पेड़ को घेर लेता है, और पेड़ को जो है धीरे धीरे जो है आपके पूरे सेब के पौधे को जो है ख़राब कर देता है। तो ये इसके सिम्टम्स है, ये वाइट कलर के धब्बे धब्बे जैसे जो आपके सेब की जो बाहरी सतह है उसके ऊपर पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो है ये पूरा आपके सेब के पौधे को ख़राब कर देता है, और बाद में जो है पेड़ मर जाता है। तो ये रहा इसका सिम्टम। तो अब इसके बाद हम चलेंगे मैनेजमेंट की ओर। वन बायो सबसे पहले जो है आप जो TSO या HMO जो है उसका जो स्प्रे कर सकते हैं स्केल से बचने के लिए, और जब स्केल हो से लग चुका आपके पेड़ में तब भी जो आपको स्केल के लिए जो है इन दवाइयों का स्प्रे करना है। और TSO से ज़्यादा बेहतर जो है HMO का है, क्योंकि TSO जो हमारे जो और भी जो कीट होते हैं उनको भी मार देते हैं, जैसे साथ हमारे पॉलिनेटिंग के लिए जैसे हमारे हनी बी हो गया, उनको भी जो है TSO मार देते, तो इसलिए आपको ज़्यादा हेल्दी जो है आपका HMO रहेगा, और वो जो है अपने जो स्केल को तो मारेगा ही मारेगा, पर जो बाकी जो हमारे हेल्पफुल जो और भी इंसेक्ट्स है उसको नहीं मारते हैं। तो इसमें क्या है कि 200 लीटर जो का ड्रम लीजिए आप, उसमें जो है 200 लीटर का पानी, और उसमें जो आपने डालना है TSO या HMO जो है 4 लीटर के हिसाब से, तो 4 लीटर TSO आपके जो है 200 लीटर पानी में घोल करिए, इसका मिक्स करके जो है फिर बाकी जो है ये गोल हमने तैयार कर लिया है। तो आज हम आपको जो है इसका स्प्रे करके बताएंगे हमारे स्केल से ग्रसित जो भी पौधे हैं, और जो और आप जो है स्केल से अगर आपके पेड़ में से स्केल अभी नहीं हुआ है तो भी बचाव के लिए जो आप है इसको ग्रीन टिप स्टेज में जो है इसके 4 लीटर जो है 200 लीटर पानी में जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वॉलनट स्टेज में जो आप इसका हाफ जो 2 लीटर लेना TSO या HMO का, और उस 200 लीटर पानी में जो गोल बना के अपने पौधे में स्प्रे करिए, उससे जो आपके पेड़ एप्पल के सेब में जो है स्केल आएगी नहीं, वो प्रिकॉशंस के लिए है। अगर जो आप अगर लग चुका है सेब में तो फिर जो आप उसको मैनेजमेंट के लिए भी जो आप HMO और TSO जो है स्प्रे ऑयल इनका जो आप स्प्रे करें टाइम से। तो चलिए आज हम करके बताएंगे आपको। बागवान भाई आप देख सकते हैं अभी हम जो है पंप को तैयार कर रहे हैं, इसमें पेट्रोल भर रहे हैं, और ये है हमारा स्प्रे पंप आप देख सकते हैं। और जो है आजकल जो है पावर स्प्रे पंप का भी जो है पावर स्प्रे का भी सब्सिडी मिल रहा है, तो आप अपने नज़दीकी हॉर्टिकल्चर ऑफिस में जाके जो इस सब्सिडी को अवेल कर सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। और देखिए एक साइड आपने डालना पेट्रोल स्टार्ट के लिए, और दूसरे साइड आपने डालना केरोसिन ऑयल, जिससे जो आपका पूरा काम चलता रहेगा। केरोसिन ऑयल थोड़ा सस्ता पड़ता है। गॉस देख सकते हैं प्रेशर यहाँ पे कितना मेंटेन रखना है।
देखिए बागवान भाइयों, अब हम जो है स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया हमने ये स्केल के लिए। और हमारे पास TSO पड़ा था तो हमने TSO लगाया है 4 लीटर जैसे 200 लीटर पानी में गोल बना के। तो अगर आपने करना हो तो आप जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि HMO हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का यूज़ करें TSO की जगह में। इस तरह से जो है आप अपने पौधों में जो है TSO और HMO SO ऑयल का जो है स्प्रे कर सकते हैं टाइम से। आज हम जो है स्प्रे कर रहे हैं TSO का और हमारे पास TSO अवेलेबल था तो हमने TSO करा है। अदरवाइज अगर आप करना चाहें तो आप जो है HMO हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का यूज़ करें, वो जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो और बात ये है कि और आज हम जो है देखिए स्केल जो है बीमारी से ग्रस्त जो हमारे पौधे हैं उनमें जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं TSO लगा के। TSO की मात्रा जो है आप 4 लीटर जो है TSO आप वैसे तो 196 लीटर वाटर में डालना चाहिए, जिससे 96 वो हो गया और 4 लीटर ऑयल के साथ जो है 200 लीटर का पूरा जो है ड्रम फुल हो जाता है। वैसे तब आप जो है उस हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज जो आप अगर आपको याद नहीं रहा तो आप 4 लीटर TSO या मिनरल ऑयल लीजिए और जो 200 लीटर का जो आपको ड्रम है उसमें डाल के गोल के इसका स्प्रे करिए, जिस आपके पौधे के ऊपर जो है ये स्केल बीमारी जो है लगी हुई है। और अगर जो अगर अभी बीमारी नहीं लगा हो तो आप उसको जो है बचाव के लिए जो आप ग्रीन टिप स्टेज पर जो है स्प्रे कर सकते हैं। अभी ना करें, अभी थोड़ा अर्ली अभी तब में है, हम तब मन चले तो मार्च या अप्रैल में करें, जब आपकी ग्रीन टिप जो है हरी बर्ड निकलने हरी हरी जो पत्तियाँ निकलने लग जाते हैं बर्ड से स्प्राउट होके। तो ये है और तो आज मैं अपने किसी जो चौराहे में हूँ और जो मेरे जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आज जो है आपको प्रैक्टिकली जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं ये कि कैसे आपने स्प्रे करना है एंड कैसे मैनेजमेंट करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे।